back to my channel, One for All. दोस्तों आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Samsung मॉनिटर Odyssey G3। दोस्तों ये गेमिंग मॉनिटर है तो मैंने ये स्पेशली मंगाया है दो चीजों के लिए, एक तो गेमिंग के लिए और वीडियो एडिटिंग के लिए। तो ये दोनों चीजें आप इस मॉनिटर के जरिए बढ़िया कर पाओगे। चलिए दोस्तों आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं हमारा मॉनिटर कैसा है। दोस्तों ये बॉक्स मैंने पहले ही ओपन कर लिया था क्योंकि फ्लिपकार्ट की पॉलिसी थोड़ी चेंज हो गई है। पॉलिसी कुछ इस तरह से हो गई है कि डिलीवरी बॉय है उसी के सामने आपको ओपन करना है, अदरवाइज अगर आप बाद में डैमेज क्लेम करते हो तो आपका क्लेम मान्य नहीं होगा। अगर आपको क्लेम करना है तो डिलीवरी बॉय के सामने ही बॉक्स ओपन करना होता है, तो इसीलिए मुझे बॉक्स मजबूर ओपन करना पड़ा। मैंने बॉक्स ऑलरेडी ओपन कर लिया था डैमेज चेक करने के लिए। तो देखते हैं इसमें बॉक्स कंटेंट आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हमारी स्क्रीन है यहाँ पर इस तरह से और एक थर्मोकोल शील्ड है अंदर। सारी चीजें मैं पहले बाहर निकाल लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ बॉक्स कंटेंट आपको क्या क्या मिलता है साथ में। नहीं कंटेंट था बॉक्स खाली हो चुका है, अभी हम देखते हैं इसके अंदर आपको क्या मिलता है। सबसे पहले जो ये आपको स्टैंड मिलता है, स्क्रीन टिल्ट कर सकते हो ऊपर नीचे और आगे पीछे कर सकते हो। एक ही स्टैंड और एक ही ट्राइपॉड के थ्रू आपको एक्सटर्नल टिल्ट के लिए आपको एक्सटर्नल कोई और स्टैंड की जरूरत नहीं है, इसी स्टैंड में आप इस पर टिल्ट कर पाओगे। तो एक बढ़िया चीज दी गई है इसके साथ में। यहाँ पर यूजर मैनुअल वारंटी कार्ड है और ये टेबल स्टैंड है और इसके साथ में आपको मिलता है एक HDMI केबल, पावर अडेप्टर और ये पावर केबल। तो इसमें जो एक ही है पावर अडेप्टर पावर केबल और ये बैक साइड में उसका है तो तुम चेक कर लेते हैं। मैं ये सारी चीजें साइड में रखता हूँ और मॉनिटर हमारा चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा मॉनिटर Samsung Odyssey G3 फुल HD VA पैनल, ये पूरा इसका नाम है। तो बैक साइड में अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पर इसमें जो सॉकेट्स मिलते हैं आपको DC यानी कि पावर केबल का एक सॉकेट दिया गया है, हेडफोन जैक का एक सॉकेट दिया गया है और HDMI का पोर्ट आपको एक ही मिलता है, दो या तीन पोर्ट नहीं मिलते, HDMI का एक ही पोर्ट मिलता है। उसकी वजह यह है क्योंकि इसके साथ में आपको DP पोर्ट भी मिलता है। HDMI से हायर वर्जन जो होता है तो वो DP होता है, तो इसके अंदर आपको DP पोर्ट भी दिया गया है, USB पोर्ट मिलता है। तो ये सारे पोर्ट्स इसके अंदर मिलते हैं और जो रिंग दी गई थी वो यहाँ पर लगानी है इस तरह से, यहाँ पर ये वो रिंग लगेगा। अब इसके कुछ मैं फीचर्स आपको बता देता हूँ, बाद में फिर हम इसे असेंबल करते हैं और ऑन करके देखते हैं कि इससे किस तरह से परफॉर्मेंस देता है। तो दो वजह है। सबसे पहली वजह और सबसे पहला रीजन और सबसे बढ़िया चीज़ जो इसके अंदर मिलती है आपको इसका रेफ्रेश रेट 144Hz का रेफ्रेश रेट मिलता है इसका। और दूसरी चीज दोस्तों ये हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों ही तरह से आप इसे यूज कर पाओगे, स्पेशली फॉर गेमिंग इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो इसे गेमिंग के लिए और इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो। तो ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों ही मोड में आप इस मॉनिटर को यूज कर सकते हो, ये दूसरी चीज इसमें बढ़िया मिलती है आपको। और इसके अलावा दोस्तों इसका अगर मैं रिस्पांस टाइम की बात करूं तो 1 मिली सेकंड का रिस्पांस टाइम इसको मिलता है, जो बहुत ही बढ़िया चीज है। और दूसरी चीज AMD फ्री सिंक्रोनाइजिंग भी आपको इसके अंदर मिल जाता है और इसका जो बॉर्डर है तो 3-साइडेड बॉर्डर डिस्प्ले है, आपको सिर्फ एक ही साइड में बॉर्डर मिलती है और बाकी ये तीनों साइड आपको बॉर्डर नहीं मिलती, बॉर्डरलेस डिस्प्ले मिलता है। और इसके अंदर आपको आई सेवर मोड भी दिया जाता है, Samsung का जो आई सेवर मोड है वो भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो दोस्तों 15,000 की रेंज के अंदर ये मुझे सबसे बढ़िया ऑप्शन लगा गेमिंग और वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए। तो चलिए इसका हम असेंबलिंग करते हैं और इंस्टॉल करके देखते हैं कि डिस्प्ले का एक्चुअल रिव्यू और परफॉर्मेंस कैसा है। दोस्तों ये हमारा जगह पर फिट हो चुका है, असेंबलिंग करके हमने यहाँ पर फिट कर दिया है। और जैसे मैंने आपको बताया थे टिल्ट होता है तो किस तरीके से टिल्ट होता है मैं आपको बताया था, इस तरह से आप इसे राइट टर्न भी कर सकते हो इस तरह से,
पर आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो इस तरह से, और इस तरह से भी ऊपर नीचे आप कर सकते हो। ये ऐसे भी होता है। ये एक चीज़ इसमें बढ़िया लगी, इसके लिए आपको एक्सटर्नल कोई स्टैंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी एक स्टैंड के थ्रू सारी चीज़ें कर सकते हो। अब मैं इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, इसकी कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ। तो जब यहाँ पर आप मेनू में जाओगे तो यहाँ पर आपको ऊपर साइड में मेनू मिलता है। अब मेनू में जाओगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है गेमिंग का। गेमिंग के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं पिक्चर मोड, और उसके बाद रेफ्रेश रेट। यहाँ पर रेफ्रेश रेट आप कस्टम भी कर सकते हो, कम या ज़्यादा। उसके नीचे आपको ब्लैक इक्वलाइजर मिल जाता है, रेस्पॉन्स टाइम फास्टर और कम ज़्यादा भी कर सकते हो आप रेस्पॉन्स टाइम, और फ्री सिंक प्रीमियम यहाँ से और ऑन ऑफ कर सकते हो फ्री सिंक, ये भी मैंने यहाँ पर से ऑन किया हुआ है। उसके बाद स्क्रीन साइज़, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर अगर आप ऑटो पे रखोगे और तो जब इसे खड़ा करोगे डिस्प्ले को तो ये उसी तरह से चलेगा, और वाइट पे आप रखोगे तो वाइट पे भी चलेगा। तो मैं आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल करके बता देता हूँ। तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो जब आप गेमिंग करते हो, तो ये काफ़ी बढ़िया आपको इसका फील आएगा। उसके बाद आपको पिक्चर मोड में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग मोड्स मिलेंगे, पिक्चर मोड, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनर, कलर, और जैसा कि मैंने बताया था सैमसंग का आई सेवर मोड भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। ऑन स्क्रीन डिस्प्ले में आपको लैंग्वेज सेटिंग मिल जाती है और डिस्प्ले टाइम भी मिल जाता है। सिस्टम में आप जाओगे तो यहाँ पर जब आप इसके अंदर हेडफोन जैक लगाओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है वॉल्यूम का, और इको सेविंग प्लग भी ऑप्शन आपको मिल जाता है इसके अंदर, इसके थ्रू आप एनर्जी सेव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती है। यहाँ पर आप थोड़ा गेम प्ले भी देख सकते हो, मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी गेम मार्वल्स स्पाइडरमैन वी मास्टर्ड गेम। तो काफ़ी चेंजेस मुझे लगे हैं, पहले जो मेरा मॉनिटर था उसके मुकाबले में काफ़ी ग्राफिक्स मुझे अच्छे मिल रहे हैं और गेम प्ले भी काफ़ी स्मूथ हो चुका है। तो दोस्तों प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है। 15,000 के बजट के अंदर आपको जो अगर गेमिंग मॉनिटर चाहिए तो ये चीज़ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो गए इस डिवाइस को लेकर, इस मॉनिटर को लेकर, तो आप बेशक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सबसे जरूरी चीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मालूम आती है और टेक्निकल वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।